हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि जाति आय निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप जाति आय निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। बिहार के नागरिक हैं, स्टूडेंट्स हैं आप लोग या आम नागरिक हैं, अगर आप लोग चाहते हैं जाति आय निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, तो आप बिल्कुल घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर है या मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। दोस्तों, जाति आय निवास प्रमाण पत्र आज की डेट में हर किसी की जरूरत है। स्टूडेंट्स को खास करके जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आप लोगों का आय प्रमाण पत्र, ये चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षा वक्त, एडमिशन वक्त ये सब चीज़ें जरूरत पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इनकम सर्टिफिकेट और आप लोगों का आय सर्टिफिकेट और आप लोगों का निवासी सर्टिफिकेट कैसे आवेदन करना है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि RTPS बिहार सर्विस प्लस बिहार जाति आवासीय आय और प्रमाण पत्र सभी कुछ ऑनलाइन शुरू हो चुका है, ठीक है। दोस्तों, RTPS ऑनलाइन के वेबसाइट के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि RTPS बिहार सरकार के द्वारा बिहार के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के माध्यम से कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, चलिए जान लेते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको RTPS बिहार पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा की जिक्र करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी बताएंगे। यह सुविधा बिहार के सभी नागरिकों के लिए है, चाहे बिहार के किसी भी कोने से कोने बिलोंग करते हैं, आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि RTPS के एक ऐसा मात्र वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी सरकारी योजना होती है जिनका लाभ लेने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अपने निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। वैसे यह सभी दस्तावेज ऐसे दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं जिनकी जरूरत लगभग हर जगह पड़ती है, चाहे किसी सरकारी नौकरी हो या चाहे किसी स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा, एडमिशन, एग्जाम की बात हो, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बताना चाहें, यहाँ पर आप लोगों को बता दें हम सभी स्टूडेंट्स को कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और विभिन्न सरकारी और निजी कार्यालय के द्वारा मांग भी किए जाते हैं। आपके पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज नहीं है तो आप RTPS बिहार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखें, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, ये जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि नंबर वन, सरकार का मकसद RTPS बिहार वो पोर्टल, RTPS बिहार पोर्टल बनाने के पीछे आम नागरिकों को राहत देना है। नंबर टू, आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिनकी मांग लगभग सभी दफ्तरों में की जाती है, साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र को समय समय पर अपडेट करना होता है, क्योंकि आपका आय निश्चित नहीं होता है। यह काम भी आप बिहार RTPS ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। नंबर तीसरा, सरकार यह नहीं चाहती है कि बिहार के नागरिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक का चक्कर काटते रहें, अपना काफ़ी ज़्यादा समय इसके ऊपर व्यर्थ ना करें, ठीक है। नंबर चौथा, यहाँ पर देखिए, RTPS पोर्टल के मुख्य उद्देश्य आप सभी को बचाना और आपको ऑनलाइन आवेदन सुविधा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर जानकारी जानना आवश्यक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो चलिए जान लेते हैं कैसे आवेदन करना है। तो दोस्तों, आप डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर इस साइट पर मैं ऑफिशियल साइट पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं RTPS.bihar.gov.in, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे सर्च करोगे, आपके सामने एक नया विंडो यानी नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मात्र 2-3 सेकंड में ये खुल जाएगा वेबसाइट, आप टेंशन मत लीजिए। पर देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो चुका है और इस वेबसाइट को अपडेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये लोक सेवा
लोक सेवाओं का अधिकार, यानी ये वेबसाइट सेवाओं के लिए आधिकारिक दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए अगर आप सर्टिफिकेट तत्काल करना चाहते हैं तो तत्काल वेरीफाई तत्काल सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अगर आप तत्काल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया विंडो फिर से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यहाँ पर देख सकते हैं विंडो खुल रहा है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है बस। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा बस वेट करिए, देख सकते हैं हमारे सामने एक नया विंडो ओपन फिर से हो रहा है, बस आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमारे सामने फिर से एक नया विंडो ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को नीचे जाना है थोड़ा, ठीक ना। अब यहाँ पर नीचे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाइए, और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को पंजीकरण करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, आपको पता है दोस्तों कि आज की डेट में हर जगह चाहे एडमिशन करवा रहे हो, परीक्षा ले रहे हो, चाहे कुछ भी करवा रहे हो, कोई भी सरकारी काम करवा रहे हो, तो उसमें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले मांग की जाती है। उसी तरह इसमें भी आपको सबसे पहले पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। खुद का पंजीकरण कैसे करना है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद तब जाकर आप जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप लोग अपना खुद का सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर सकते हो। ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स के आपको पंजीकरण पर क्लिक कर देना है, ठीक है। पंजीकरण पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया विंडो फिर से ओपन हो जाएगा, यहां पर एक नया विंडो ओपन होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो गया है, और यहाँ पर हमसे मांग रहा है फुल नेम, ईमेल आईडी, ठीक है। ध्यान रखें आपको ईमेल आईडी अपना डालना है कि ईमेल आईडी पर ही आपका पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका मतलब आएगा, ठीक ना। तो जब भी जैसे ही पंजीकरण करेंगे आपके सामने आपके ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका अपना डालना है। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देना है, जो आपको पासवर्ड आठ, यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, 8 करेक्टर या 15 करेक्टर का होना चाहिए। डालने के बाद आपको यहाँ पर ये स्टेटस अपना, स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है कि स्टेट आपका बिहार है क्या है, ठीक ना। बिहार है तो बिहार ही सेलेक्ट करिएगा, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है ये। उसके बाद ये कैप्चा कोड ये डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका पंजीकरण हो जाएगा और आपका ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड लॉगिन आईडी चला जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर लॉगिन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर लोक सेवाओं का अधिकार की सेवा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक ना। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, आपको जो भी बनवाना है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखें आप देखिए यहाँ पर तीन चीज़ बता रहा है, एक राज्य राजस्व अधिकारी के स्तर पर लेना चाहते हैं, या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर लेना चाहते हैं, या जिला पदाधिकारी से लेना चाहते हैं। तो हम अनुमंडल से लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने देखिए एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेना है, पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर पर इस पर टिक कर देना है। नेम डालना है, हिंदी में डालना है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में डालना है। यहाँ पर आपको क्लिक करके चूज कर लेना है कौन सा सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना है, आय आवासीय जाति जो भी करना है टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आय करना है, आय पर टिक कर दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए और नेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग उसके बाद जो भी उसमें मांगेगा अपना नेम वगैरह पूरा फुल एड्रेस सारा कुछ भर दीजिएगा। आप लोगों का जो है आपका खुद का जो सर्टिफिकेट है आपके घर पर मतलब ब्लॉक द्वारा आपके नज़दीकी कार्यालय में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स की अगर आप लोग ब्लॉक से चाहते हैं, नज़दीकी कार्यालय से चाहते हैं ऑफलाइन आवेदन करना, तो आप जाकर नज़दीकी ब्लॉक या कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। यदि अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।